शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? यस सर, सावित्री अर्जुन सिंह माँ बेटे। माँ बेटे जी? लेकिन सावित्री माँ ने तो सबके सामने, हाँ सर, ये सबके सामने थप्पड़ मारना, चिल्लाना और उसे जलील करना, ये सब एक ड्रामा था, नाटक था। लोग तो दौलत के लिए न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, उसने तो सिर्फ उसे थप्पड़ ही मारे क्योंकि उसकी नजर आपकी दौलत पर है। सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो आपकी जान पर बार बार हमले हो रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक ही हाथ है और वो है सावित्री का, जिसे दुनिया वाले देवी समझते हैं। आपको मेरा यकीन नहीं आता ना? ठीक है, भैरव। सर, यह है भैरव पी, अर्जुन सिंह के गांव का रहने वाला है और उसके बचपन के दिनों का दोस्त। भैरव जी, आपको बताओ, सावित्री देवी और अर्जुन सिंह का क्या रिश्ता है? वो दोनों माँ बेटे हैं। देखा सर, ठीक है, तुम जा सकते हो। इस वक्त अर्जुन सिंह कहाँ होगा? सर आप फिक्र मत कीजिए, वो जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। रंजीत बाबू छोड़ दीजिए। बताओ अर्जुन सिंह कहाँ है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। और हम बिना मौका दिए ही आपको बताए देते हैं कि हम यहाँ तो जालिम सिंह जी, बात दरअसल यह है कि आप निशाना हमेशा गलत लगाते हैं। मालिक पे लगाया तो गलत, नौकर पे लगाया तो गलत, क्योंकि बेसिकली आप आदमी ही गलत हैं। ये देखा, आप जैसे बेईमानों की छत्र छाया में रहकर एक आध बेईमानी का पैतरा हमने भी सीख लिया है। फैज, पहले तो मैं आपसे इन कपड़ों की सिलवाई लूंगा, उसके बाद खुलवाई लूंगा और फिर आपकी धुलाई करूंगा, क्योंकि अभी अभी जो आपने 3-4 गोलियां इधर उधर चलाई, कहीं एक आध गोली यहां चला देते जैसे कि अब हम चलाने वाले हैं तो बहुत फायदे में रहते। यानी कि समझ है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, तो शाले अब ये बताओ कि इस सारे चक्कर का हैंडल कौन घुमा रहा है? क्योंकि इतना बड़ा चक्कर जो है वो तुम्हारे जैसा चक्कर हम तो चला नहीं सकता। ये तो किसी बहुत बड़े 420 चालबाज चरित्र वाले चक्रम का चक्कर मालूम पड़ता है। बोलो बेटा कौन? मेरे पाप। यानी अल्टीमेटली इन्होंने बता ही दिया। अच्छा, तो तुम्हारे बाप भी हैं? कितने बाप हैं? मैं मेरा मतलब है कहा तुम्हारा बाप? हाँ मेरे साथ चलो चलो बेटा। बाय तुम्हारा बाप। इतने सारे बाप हैं तुम्हारे? नहीं 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 बेटे, आप तो दुनिया में सबका एक ही होता है। वैसे मिस्टेक नहीं, तुम्हारे भी बाप, लेकिन मान गए तुम्हें बेटे। हम तक पहुंचने के लिए हमारे बेटे को मौत के जाल में फंस कर हमारे घर तक चले आए। तुम्हारा बाप जब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो तुम किस खेत की मूली हो? उधर देखो, हैरान होने की जरूरत नहीं है बरखुरदार, इनका तारुफ हम खुद करवाए देते हैं। बरखुरदार, यह है तुम्हारी मां और यह है तुम्हारे परम पूज्य दद्दू और यह तुम्हारा बचपन का दोस्त निशा की मम्मी। ये हैं तुम्हारे मालिक की मिस निशा। जी भर के देख लिया बरखुरदार, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रिवॉल्वर मेरे बेटे को सौंप दो और एक सौदा कर लो,
वरना तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। अर्जुन सिंह, मेरे पास वक्त नहीं है। रिवॉल्वर मेरे बेटे को सौंपते हो या? ठहरो ठहरो, दैट्स गुड, गुड। समझदार बच्चे हो, अपने बाप की तरह जिद्दी और बेवकूफ नहीं हो। जो सौदा तुम्हारा बाप ना कर सका वो तुम कर सकते हो। हमें इन पेपर्स पर राजकुमार के दस्तखत चाहिए, उसके बाद उसकी लाश। ये दोनों काम करके तुम्हें सबको ले जा सकते हो। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूं। मैं राजा बाबू की जान नहीं ले सकता। जान नहीं ले सकते, दस्तखत तो करा सकते हो। जान लेने का काम हमारे साहबजादे कर लेंगे। फांसी चढ़ोगे तुम, बोलो मंजूर है? सोच लो। राजा बाबू, क्या दो दिन हो गए मालकन का कहीं पता नहीं चल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं? मैं क्या करूं, मेरे पास क्यों है? उनकी इतनी फिक्र है तो जाओ किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो। ठीक है, अगर पता नहीं चला तो पुलिस स्टेशन भी चले जाएंगे। फिलहाल आप ये वसीयत संभालिए और मुझे इस जिम्मेदारी से आजाद कीजिए। वसीयत? कैसी वसीयत? आज से 15 साल पहले सावित्री देवी ने वसीयत बनवाकर मेरे यहां रखवाई थी और कहा था, वकील साहब अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो ये वसीयत मेरे बेटे राजा तक पहुंचा देना। तो क्या मां ने 15 साल पहले ये दौलत, ये जायदाद मेरे नाम लिखवा दी थी और मैं उन्हें गालियां देता रहा? सर, सर, प्लीज बाहर आइए, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या फैसला किया? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, जो तुमसे कहा गया है वो करते हो कि नहीं? या फिर नहीं, मैं करता हूं, आप जो कहेंगे वही करूंगा। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसे किया तो तुम्हारे पिता की कुर्बानी और मेरी सारी जिंदगी की तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी। बेटा ऐसे मत करना, बेटा ऐसे मत करना। क्या मिला है तुम्हें उस तपस्या का, जिसके लिए तुमने अपना घर छोड़ दिया, अपनी औलाद छोड़ दी? उस राजा बाबू ने बदले में तुम्हें क्या दिया है? ठोकरें, गालियां? ऐसे खुदगर्ज इंसानों के साथ ना तो वफादारी की बात करनी चाहिए ना नमक हलाली की। बल्कि मैं तो कहता हूं ऐसे कमीनों को हलाल करके उन्हीं के नमक में दफन कर देना चाहिए। ऐसा मत बोल बेटे, हमने उनका नमक खाया है, तू नमक हरामी मत कर। अरे बस करो दद्दू, ये नमक हरामी और नमक हलाली के सबक अपने पास ही रखना। तुम्हारी दी हुई शिक्षा की वजह से आज मेरी माँ यहाँ बंद है और तुम्हारी ये हालत बनी हुई है। रुक जा बेटा, तुझे मेरी कसम, तू जिसे मारने जा रहा है तेरी जिंदगी उसी के बाप की दी हुई है। नहीं माँ, मुझे मत रोको। आज बरसों बाद मुझे माँ मिली है, मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। माँ के प्यार के लिए, उसकी ममता के लिए मैं राजा बाबू को कुर्बान कर दूंगा। मुझे मत रोको। हेलो, मेरा बेटा तुम्हारे साथ जाएगा। जाओ बेटे। और सुनो, जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनकी चिताओं को आग लगाने वाला भी नहीं मिलेगा। हाँ साहब, मैं राजा बोल रहा हूँ। जी, दो दिन से माँ का पता नहीं, आप कुछ भी कीजिए माँ का पता लगाइए प्लीज। थैंक यू। कल तक जिस माँ को गालियां दे रहे थे आज उसके बारे में बहुत चिंतित हो रहे हो, क्या बात है? माँ की जिंदगी मुझे मालूम है और उनकी जिंदगी तब तक खतरे में रहेगी जब तक तुम इन कागजात पर साइन नहीं करोगे। अर्जुन, क्या तुम वक्त बर्बाद मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। चलो चलो पेन लो। क्या करो रंजीत, दस्तखत करने से पहले अगर ऐसे कुछ हो गया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो राजा बाबू, हमें और स्त्रियों को आपकी जरूरत नहीं। भाई, राजा बाबू, भाई।
तो मिस्टर फिफ्टी फिफ्टी आप धन्यवाद। लाइए लाइए लाइए। ये क्या बदतमीजी है? क्या करें मिस्टर गिरधर, आपने हमारे सारे खानदान के सर पे कफन बांध दिए। हमने वो सारे कफन उतार कर आपके बेटे के सर पे बांध दिए, क्योंकि आपके बेटे के मन में खोट पैदा हो गई थी। राजा बाबू को खत्म करने के बाद ये हमें भी खत्म करना चाहते थे। यानी हमारे बेटे ने आपके साहबजादे ने राजा बाबू के सीने में पूरी 3 गोलियां दागी। मेरे राजा को मार दिया। राजा बाबू की मौत का सौदा इन लोगों की जिंदगी के साथ हुआ था। कीमत मेरे हाथ में है, पहले आप इन्हें छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, मगर बस मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, छोड़िए इन्हें। ठीक है, छोड़ दो उनको। तुम इन सबको लेके निकलो भैरों। हेलो, क्यों, अब क्या हो गया? इन पर दस्तखत नहीं है, गायब हो चुके हैं। लो कर लो बात, लगता है ऊपर वाला आपकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। इतनी मेहनत के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला? पिछले जन्म में कुछ बात किए थे क्या? बको मत बेटे, अब क्या होगा ये देखो। लेकिन डैडी दस्तखत तो मेरे सामने किए थे। अब तुम दोनों बाप बेटे ये डिसाइड कर लो कि राजा बाबू के दस्तखत लेने ऊपर कौन जाने वाला है। बरखुरदार, ऊपर तो तुम ही जाओगे। नहीं, इस बदतमीज ने गोली चलाई है। जनाब, हमने तो नहीं चलाई। हमने चलाई। राजकुमार, बदतमीज से हाथ ऊपर करो। अच्छा, तो आप ही हैं वो चाचा जो हमारी क्रिया पे बैठे थे। देखे, ये तो जिंदा है और तुम कह रहे थे कि तुमने अपने हाथों से इस पे गोली चलाई थी। अरे भाई, जब आप दुनिया की नजरों में मर के भी अभी तक जिंदा हैं, हम तो कभी मरे ही नहीं थे। नहीं समझे अर्जुन से? जी मालिक। जरा समझा दो। जी मालिक। तो मिस्टर गिरधर, वो हुआ यूं कि आपके बेटे ने गोलियां तो अपने हाथ से ही चलाई थी और पिस्तौल भी असली था, मगर उस असली पिस्तौल के अंदर गोलियां यानी कि बुलेट्स जो थी वो, हाँ समझ गए ना? नहीं समझे? देखिए, अब जैसे कि मैं आपके बेटे को गोलियां मारता हूं। नहीं, देखा बच गया ना? अब जब ये पाजी नहीं मरा तो हमारे राजा बाबू कैसे मर सकते थे? एज बिकॉज दिस इज द सेम रिवॉल्वर दैट वॉज यूज बाय मिस्टर विजय मर्चेंट एंड मिस्टर विजय हजारे। नहीं सर, लेकिन आपके साथ अरे राजकुमार, सुना है ना तुम्हें, 100 सुनार की और 1 लोहार की, अब कोई चीज नफी नहीं है, ना तो इस पिस्तौल में गोलियां और ना ही इस पेन की स्याही। अब तुम इन पेपर्स पर साइन करोगे। चलो चलो, वैसे भी तुम्हारे बाद जायदाद का वारिस मैं हूं। चलो यहां बैठो और साइन करो। अच्छा है कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाए ताकि तुम्हारे बाद कानून को कोई तकलीफ ना हो। बैठो। तेरे से तो अभी मुझे अपने बेटे का भी हिसाब करना है। तुमने हमारे होटल में खाया आलिंगन?
उन्नो हम कहां थे? हाँ आए कौन? तलवार से हाँ। बेटा नाम तलवार है और करते हो इंटर कुंजियों की चमचागिरी। न रहेगी नाक ना बैठेगी मक्खी। पुन्नो मैं ये कह रहा था कि ये तुमने बहुत अच्छा किया कि राजा बाबू को जाके तुमने क्या करो? अरे जबरदस्ती क्यों कर? पुन्नो पुन्नो फिर निशाना गलत है। लग गई हाँ ये पोजीशन ठीक है। पुन्नो हम कहाँ थे? तो आपको इस वसीयत पर दस्त। अरे पुन्नो वहां क्या खड़ी है? घबराओ नहीं, अपने दौलत ही की है। हाँ तो आपको इसमें दस्तक चाहिए? ये लीजिए हम वसीयत ही पा रहे थे। ये रहे आपके दस्तक। फाइनली बॉम्बे इंडिया। मालिक क्या? मालिक विरस्त ले। पुन्नो अर्जुन सिंह मालिक करो। आई एम सॉरी मालिक। अरे भाई भाई से किरोड़ी मल जी वो मैसूर का जंगल क्या मक्खियां चल गई तुम्हारी तब? क्या बात है? ओहो सेठ जी अब इन चार दांतों से काम नहीं चलेगा। हमें तो अब पूरे 32 चाहिए। यहाँ आइए यहाँ आइए। माफ कीजिए मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था। ये अगर आप इसको फटने को क्या है इसे कहते हैं थ्रू दी ग्लास। मैं गद्दारों को जिंदा नहीं छोड़ता। मेरे बताए हुए रास्ते पर कभी मत चलना। राजा बाबू को तेरी जरूरत है। उनका साथ कभी मत छोड़ना। रुक जाओ तो सही। अब अगर मेरे गाड़ी पर हाथ उठाया तो मैं इसका सर धड़साला कर दूंगा। यस हाँ तो राजा बाबू तुम इधर आओ क्योंकि अब मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम नई वसीयत पर साइन करोगे। आओ। नहीं मालिक आप नहीं जा सकते। नहीं अर्जुन सिंह पूनम की जान खतरे में। दैट्स गुड। आ राजा बाबू होशियारी नहीं आ तो प्रकार अब अंदर चला जल्दी। दूसरी साइड हैंडल से लॉक करो और चाबी इधर फेंको नीचे। हाँ
लड़ाई सिंह जी, अब आप हमारे राजा बाबू की हथकड़ियां खोल दीजिए, वरना हम आपके डैडी का बहुत कुछ खोल डालेंगे। अबे, अबे, समझ गया। हाँ, चाबी सीट के नीचे। आइए बर्फ आ जाओ आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। मालिक? हाँ भाई, अब तक तो हम मालिक और तुम नौकर थे, अब से आप मालिक हैं, मैं नौकर। हुक्म दीजिए मालिक। हाँ हाँ, तो मालिक मेरा मतलब है राजा बाबू, सबसे पहले तो आप इस पाजी को इसके बाप के साथ बांध दीजिए। बहुत अच्छा, ताकि मरने के बाद भी ये दोनों गधे एक साथ। अब आगे क्या हुक्म है मालिक? आगे ये हुक्म है कि इस ट्रक में जितने टायर हैं उनकी हवा निकाल दीजिए। जी हुजूर। हाँ तो पापियों, हाँ। अब हमें ये बताओ कि पुलिस स्टेशन यहां से कितनी दूर है? दो मील। और ये आजू बाजू क्या है? जंगल। जंगल। और जंगल में क्या होता है? शेर। अब हम क्या करेंगे? अरे भाई, अब आप लोग क्या करेंगे? अब तो जो कुछ कर रहा है वो शेर खुद ब खुद आगे करेगा ना। हाँ, और अब हम दोनों यही दुआ कर सकते हैं कि पुलिस आने से पहले शेर आ जाए। आ जाए। बेटी, आज मेरा वचन और फर्ज दोनों पूरे हो गए, मगर जिंदगी के बहुत सारे फर्ज बाकी हैं। मैं चंद दिन के लिए छुट्टी जा रही हूँ। नहीं माँ, अब आप कभी अकेली नहीं जाएंगे, हम सब साथ जाएंगे आपके। अरे वाह, अरे ऊपर वाले, मैं तो शहर में आया था एक पुत्ता लेने, पर तैने तो दो दो दे दिए और साथ में दो दो बहुएं भी। इब मैं तब तक जीऊंगा जब तक ये दोनों दादा नहीं बन जाते। मगर दद्दू, एक बात बताओ, तुम शहर आए कैसे? ये इससे पूछो। क्यों मैं बहरो भाई, मैंने चिट्ठी लिखकर बुलाया था, ये मैं क्यों बताऊं? पर एक मिनट, एक फैमिली फोटो। चलो अर्जुन, चल पीछे चल। हाँ जी। ए डैडी, स्माइल। ओ अर्जुन। अरे भाई, सूरज सर पे चढ़ा, तू सो रहा है, अरिता उठ। ओ अर्जुन उठ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जान दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, तू मेरी जिंदगी बहू, सब कुछ। अरे ओ बहू, अरे बहू, जल्दी आ जल्दी आ। देख भाई, अब ये काम बच्चों को उठाने का तू कर रहा, हमसे नहीं होता। हमको तो अब मालूम होता है कि हम सचमुच बुड्ढे हो गए। तू, तेरा बाप, तेरे